माता भक्तों के साथ ही फैशन प्रेमियों के लिए नवरात्रि से लगातार फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में आकर्षक कपड़ों, ज्वेलरी और एसेसरीज की लेटेस्ट फैशनेबल आइटम्स की डिमांड लगातार बनी रहती है। सीजन शुरू होने के पूर्व यदि खरीदारी शुरू कर दी जाए तो निश्चित ही वह फायदे का सौदा होती है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रीट फैशन द्वारा होटल सयाजी के सामने लॉ ओमनी पैलेस विजयनगर पर नवरात्रि एंड दिवाली फस्टा का आयोजन 28 सितंबर शनिवार एवं 29 सितंबर रविवार को किया जा रहा है। आज इसका भव्य शुभारंभ श्रीमती ऋतु केड़िया के करकमलों से हुआ। श्रीमाल ने बताया कि सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक एग्जीबिशन सभी के लिए ओपन रहेगी। यहां पर 75 से अधिक स्टॉल व नवरात्रि पर और दीपावली के फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए काफी आकर्षक कलेक्शन प्रस्तुत किया गया है। एग्जीबिशन में गरबा ड्रेसेस, गरबा ज्वेलरी, फैशन एसेसरीज के साथ दीपावली के सीजन को ध्यान में रखते हुए आकर्षक ड्रेसेस और इटली एवं हांगकांग से कॉस्मेटिक एवं कश्मीर की साड़ी, पश्मीना शॉल व खान पान के शौकीनों के लिए विभिन्न फूड स्टॉल भी लगे हैं। साथ ही बारिश को देखते हुए आयोजकों ने काफी व्यवस्था भी की है। निश्चित ही इस प्रमुख फेस्टिवल के दौर में इस तरह के आयोजन क्रेता एवं विक्रेता दोनों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमने फूड कम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को, मतलब जो भी घर की गृहणियाँ लोग रहते हैं जो अपने मतलब प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में शॉप नहीं ले पाते, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने ये एग्जीबिशन दी है। और जिसमें साथ में हमने फूड स्टॉल्स और अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स, जैसे बाहर के जो भी इटालियन ब्रांड है या बाहर के जो भी ब्रांड्स हैं उनको भी एड ऑन करने की कोशिश की है ताकि हमारा इंदौर जो रहे वो अलग अलग चीज़ों से अवेयर हो। यहाँ पर कितने स्टॉल्स आज लगाए गए हैं? ये सर हमारे 70 स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। मतलब एग्जीबिशन कब से कब तक रहेगी? सर ये अपने 11 बजे सुबह से और रात को 10 बजे तक की एग्जीबिशन रहेगी। कितने दिनों की एग्जीबिशन? ये 2 दिन की एग्जीबिशन है। जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया वो संगठन? सर इसमें मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर और साथ में एक फ्रेंड, हम 5 लोगों का इसमें सहयोग है। कैसा आपको लग रहा है, मतलब आपने स्टॉल्स के लिए कितनी मेहनत की, बुकिंग वगैरह? सर मतलब 3 रातों से तो हम लोग सोए नहीं हैं क्योंकि बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा इशू है, तो फिर भी लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि जिसको जो बोला है वो हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। साड़ीज़, कश्मीरी सिल्क साड़ीज़ हैं यहाँ पे। अच्छा। और स्पेशली ये पश्मीना है साड़ी विद शॉल, इसके साथ साड़ी के साथ शॉल। तो आप कश्मीर में तो ना बहुत अच्छा पश्मीना एंड शॉल, या दैट इज एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ। जी मैम। अच्छा, सब कश्मीरी साड़ी थी, सब कश्मीरी वहीं से आप लोग? वेरी नाइस। तो वहीं से आप लेडीज़ लोग वहीं से काम करती हैं, कश्मीर में ही काम करती हैं ऑन हैंडवर्क? ओके। और एग्जीबिशन लगाने आए हैं जो मोदी जी ने 370 धारा जो लगाई है, कब से 70 सालों के बाद हटी है ये हम लोग इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है जी। तो आपको क्या लगता है इसमें? नो कमेंट्स मैम, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा क्योंकि आप कश्मीर से आए हैं, हमारे इंदौर में आए हैं। बोलना चाहता इसके बारे में? आया ना, कुछ तो जवाब, कुछ तो जवाब। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यस या नो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है कि आप ये बताओ, 370 धारा हटने के बाद क्या, 370 धारा हटने के बाद क्या क्या मतलब, क्या आपको प्रोग्रेस लगा कश्मीर में? अब तो आतंकवादी नहीं होते कुछ वहाँ, कर्फ्यू? बोला आतंकवादी नहीं, मैं इतना बताऊँ मैम, 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे टूरिस्ट के खिलाफ 0% क्राइम था। अब वहाँ पे जो हो रहा है 50 डेज से बंद है, नो वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है पूरा, वहाँ पे फ़ोन नहीं हो रहे हैं, मैंने अपने घर वालों से 50 दिन से बात नहीं की है,
तो वहाँ के लोग वहाँ उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको, वो चल भी नहीं सकते हैं, रोड्स पे पूरा बंद है। तो इससे लोगों में और भी गुस्सा आ गया है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर कोई वहाँ पे टूरिस्ट जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आएगा वहाँ से। अच्छा, ऐसे हाल है वहाँ पे? 370 हटने के बाद बोल रहा हूँ। ओके जी, तो आई डोंट नो, हम लोग को तो मालूम नहीं है ये तो मालूम नहीं होगा ना आपको। जैसे वहाँ घूमने के लिए, जो घूमने के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे हमारे भारतवासी ना, अब तो नहीं जा रहे हैं, अभी 2-3 महीने से नहीं जा रहे हैं, बाकी तो पहले तो जाते थे सब, पहले तो जाते थे। आज तक कुछ भी हुआ नहीं? कुछ तो नहीं हुआ, फिर भी डर तो लगा रहता था ना हमेशा। डर था लेकिन कुछ हुआ आज तक?